सबके कोच डिसाइड हो गए, बांग्लादेश का कोच रसल डोमिंगो बन गए, डोमिंगो ऐसे कुछ है। रवि शास्त्री भाई इंडिया के लिए बैक। हम बैठे थे कि यार कोच का क्या किया जाए यार, जब तक अगला वर्ल्ड कप होगा तब तक हमारे पास एटलीस्ट बैटिंग कोच तो होना चाहिए। तंग आ गए वापस की बात है। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि आपको क्या ख्याल है कि मिसबाह उल हक को कोच बेहतर बनेगा, डीन जोन्स को कोच होना चाहिए, किसको कोच होना चाहिए। और मैं सच बताऊं तो इस वक्त यार मुझे बस कोच चाहिए। इस वक्त मतलब मुझे अजीब सा लग रहा है कि मेरी टीम बस कोच ही नहीं है यार, मतलब क्या सीन है। जब तक कोच नहीं, तब तक ये फैसल इकबाल अप्लाई कर रहा है, मोहम्मद अकरम अप्लाई कर रहे हैं, मोहम्मद वसीम अप्लाई कर रहे हैं, मतलब मुश्किल ट्रेन हाथ से निकल रही है। क्या कर रहे हो, जल्दी से किसी को देखे फारिग करो, सबको फारिग करो, वरना कल को ये ना हो कि इमरान फराद अप्लाई कर रहा हो फॉर हेड बैटिंग कोच, और दानिश कनेरिया अप्लाई कर रहा हो फॉर हेड फील्डिंग कोच, नवीद उल हसन अप्लाई कर रहा हो फॉर हेयर स्टाइलिस्ट। सो के उठा और मतलब बारिश की प्रेडिक्शन है आज। कल रात को एकदम से बारिश शुरू हो गई थी। एक तो मेरे समझ में नहीं आता, गूगल मैप्स पे लिखा हुआ था कि कल रात पूरी रात बारिश है और इस वक्त बारिश रुक जाएगी, और कल रात को 9 बजे बारिश हुई है, पूरी रात बारिश नहीं हुई, और अब लिखा आ रहा है कि 12 बजे दोपहर की बारिश शुरू होगी और फिर कभी ज़िंदगी में नहीं रुकेगी। आज का मेरा प्लान क्या है, आज का मेरा प्लान ये है कि मैंने फिलहाल तो करना है नाश्ता। यार मैं नाश्ते में तो ना ज़्यादा सोचता नहीं, ज़्यादा सोचने का सीन नहीं है। अच्छा, मुझे नॉर्मली सो के उठने के बाद दुनिया कोई होश होता नहीं है, दुनिया में क्या हो रहा है, जिस तरह के आएगा सबका यही मसला होता है। तो मैं पता नहीं बाद में क्यों बता रहा हूँ आपको, कोई इम्पोर्टेंस लेवल ज़ीरो था इस बात का, ज़ीरो। मैंने एक इंस्टाग्राम पे अनाउंस किया था कि मैंने एक वीडियो निकालनी है अपने कुर्तों के ऊपर, एक वीडियो निकालनी है अपनी किताबों के ऊपर, और वो दोनों वीडियोस मैं फिलहाल नहीं निकाल रहा, बिकॉज मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि मेरा चैनल की जो स्ट्रेटजी है, चैनल की जो डायरेक्शन है, वो किस तरफ जा रहा है, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे उसको सॉर्ट करना है। और जब मैंने उसको सॉर्ट किया तो मुझे एहसास हुआ कि जो चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ उसके अंदर वो चीज़ें फिलहाल फिट नहीं होती। मैं जो चीज़ करना चाह रहा हूँ उसके अंदर क्या फिट होता है, ए डेली वीडियोस। अब मैं निकालूंगा डेली वीडियोस, अप्रॉक्सीमेटली डेली, मतलब एक दो दिन शायद ना आए, अगर मैं सोता रह गया तो उसके लिए माफ़ी, इतना कुछ वो नहीं है कि आप लोग गन लेके मेरे घर पहुंच जाओ, कभी कभी नहीं आएंगी, लेकिन एंड दिल बी अ लॉट मोर ऑफ क्रिकेट, क्योंकि मैंने मुझे एहसास हुआ कि यार जिस चीज़ का तुम्हें पैशन है, पैशन, उस चीज़ को तुम ज़्यादा क्यों लेके आते, पागल हो, पागल तो बता दो, मसला नहीं है, वैसे पूछ रहा हूँ। कवर फोटो मैंने अपने चैनल की चेंज की, अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हैं तो जाके देखें, और आप बोलें वाओ वाला डिजाइनर, बोल सकते हैं, नहीं बोलना तो नहीं भी बोल सकते, रिकॉर्ड हो रहा है। बाय द वे, डीन जोन्स भाई साहब की ट्वीट आई थी आज से कुछ 2 दिन पहले, उन्होंने हमारे दिल के तारों से ऐसे खेला, ऐसे टिंग टिंग, उन्होंने बोला कि भाई मैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अनाउंस करने वाला हूँ, और शायद वो बात तुम लोगों की जिंदगी चेंज कर दे, सब कुछ बदल दे शायद। तो हम सब वहाँ पहुंचे हुए पाकिस्तानी, और नीचे कमेंट कर रहे हैं कि डीनो भाई कोच, डीनो भाई कोच। मजे की बात यह है कि जिस टाइम पे डीनो भाई ने ट्वीट किया है उसी टाइम पे मिसबाह भाई ने ये बोला है कि मैंने अब कोच के लिए अप्लाई कर दिया। तो आई डोंट नो, बाय द वे अजंता मेंडिस रिटायर हो गया यार, अजंता मेंडिस हमारा चाइल्डहुड हीरो, अजंता मेंडिस आया था दुनिया पागल हो गई थी, वो अजंता मेंडिस आ गया भाग जो, तो वो अब रिटायर हो गया। आई गेस ऑफ स्पिनर्स का जमाना वैसे ही खत्म हो रहा है, मिस्ट्री स्पिनर्स का जमाना वैसे ही खत्म हो रहा है। लेकिन जहां तक कोच की बात है, पर्सनली मैं तंग आ गया, मतलब मैं अच्छा, अगर तो मैं पिक करूं, अगर मुझे करना ही हो कि मैं किसको कोच बनाऊंगा, करना ही हो अगर, तो मैं डीनो भैया को बनाऊंगा, क्योंकि डीनो भैया के पास रिकॉर्ड है, स्टैट्स है, सीवी है। मिसबाह भाई से मुझे बहुत प्यार है, मिसबाह भाई मुझे लगता है कि हमारी टीम के अंदर वो एक स्टेबिलिटी, डिफेंसिव तो खैर नहीं, कामनेस लेके आएंगे, जो शायद ज़रूरी है। लेकिन डीनो भैया के पास सीवी है भाई, सीवी, जब आप जॉब लेने जाते हो तो सीवी इज़ एवरीथिंग, इट्स नॉट एवरीथिंग एक्चुअली, आई एम सॉरी, आई एम वेरी रॉन्ग, बट इट इज़ समथिंग, एंड सीवी नीड्स टू बी देयर एटलीस्ट। रिकॉर्ड हो रहा है, हेलो 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 हेलो। आई थिंक डीनो भैया हैज डन वेल फॉर इसलू, 2 टूर्नामेंट्स 2 विक्ट्रीज, सो ही शुड बी गुड, आई फील ही शुड बी गुड। और क्या खबर है यार, वैसे आपस की बात है, अजंता मेंडिस रिटायर हो गया, उस्मान ख्वाजा बाय द वे लीड कर रहे हैं एक ऑस्ट्रेलिया का मैच, टूर मैच में, टिम पेन नहीं खेल रहा उसके अंदर, और मैथ्यू वेड नहीं सॉरी एलेक्स कैरी कीपिंग कर रहे हैं। उस्मान ख्वाजा पाकिस्तानी बॉय लीडिंग ऑस्ट्रेलिया, वाओ, हेडिंग्ले ब्लॉकबस्टर गिफ्ट, स्टोक्सी तो पागल हो गया था ना, मतलब स्टोक्सी का वैसे कमाल साल चल रहा है, आपस की बात है, बर्थडे क्यों बोला मैंने, बर्थडे तो हर साल ही आती है, मतलब कि लॉर्ड्स में फाइनल हुआ पहले तो क्या कहते हैं वर्ल्ड कप का, उसमें भाई ने छा गए, फिर अभी एशेज का थर्ड टेस्ट हुआ, भाई छा गए,
मेरे ख्याल में तो इंग्लैंड से ना ही खेलें इस साल तो बेहतर है, और अगर खेलें भी तो इंशाल्लाह स्टोक्स भाई को कब्ज हो जाए। इससे मुझे याद आया कुछ काम करना है मुझे आज। एक तो मैंने काम करना है कि ये चेयर जो मैं इसमें बैठा हुआ हूँ ना, ये चेयर खुद ब खुद नीचे हो जाती है। मतलब ये मैं ऊपर करता हूँ, अभी आपके सामने नहीं होगी बिकॉज कैमरे के सामने कभी भी कुछ नहीं होता, लेकिन होती है नीचे, मैं बता रहा हूँ। तो ये मैंने चेयर खरीदनी है। कल मैंने इंस्टा स्टोरी भी डाली थी कि मुझे इस तरह की एक चेयर चाहिए अच्छी सी, जो मुझे एडिटिंग करने में हेल्प करे, जो मुझे काम करने में हेल्प करे। यार बुमराह ने 5 for 7 लिए थे पिछले मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ। बुमराह, व्हाट इज दिस भाई, कोच कब आएगा पाकिस्तान का यार, अजीब। मतलब कोई, मतलब लिटरली कहानी कब से चल रही है पहले वो। और एक बड़े मजे की बात है कि जिस बंदे का भी नाम पहले आता था कोचिंग में, उसका फिर आता था ट्वीट के आई एम नॉट इन दिस लिस्ट, व्हाई इज ही काउंटिंग मी। अब ये ना हो कि यार अगर तो उन्होंने फैसल इकबाल को बना दिया ना बैटिंग कोच, मैं कसम खुदा की मैं लैपटॉप तोड़ दूंगा। पहली बात लैपटॉप नहीं तोड़ूंगा, ये नहीं तोड़ूंगा, मैं गए वो वाला तोड़ दूंगा, विंडोज ये भी फाड़ दूंगा, इतना मैं कर लूंगा फैसल इकबाल के लिए। फैसू के लिए मैं इतना कर सकता हूँ। अच्छा ये है, और चलो चलते हैं कहीं। एक बहुत बहुत क्रूशियल अपडेट है। दोपहर के अराउंड 3 बज रहे हैं इस वक्त, और मैं ऐसे ही इंटरनेट पे बैठा हुआ कुछ पता नहीं कुछ देख रहा था, और एक खबर मिली मुझे कि फॉर द 500th or 600th टाइम शायद अफरीदी का और गौतम गंभीर का ट्विटर पर हड्डा हो रहा है। जाके देखिए